मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक काम करते हैं ना, इसे हम घर लेके चलते हैं। हाँ, और डॉक्टर को भी वही बुला लेंगे। काकू सोच के बोलो, क्या बोल रही हो आप? इसको घर ले जाएंगे और जब घर में पता चलेगा कि हम दोनों से ये एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा काकू, हम इसे घर नहीं ले जा सकते। लेकिन शिखा, इस तमाशे के डर से हम इसे यहीं पे छोड़ के नहीं जा सकते ना। पुलिस के सुनने से तो अच्छा है कि हम इसे घर लेके जाए ना, ये रिस्क ले सकते हैं हम लोग। सुन, अक्का साहब भी थोड़ी देर बाहर गई है और हमारे राव साहब वो भी मुंबई में है, तो इसे घर लेके चलते हैं जल्दी से। देख, हम ज्यादा सोच मत, हमारे पास टाइम नहीं है, उठा इसे, चल जल्दी उठा। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन गाड़ी अब मैं ही चला लूं। हाँ हाँ, तू ही चला, तू ही चला। ये सब कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मतलब तुम दोनों एक काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? कहाँ है वो लड़की, कहाँ है, कहाँ है? शिखा के कमरे में। तुम दोनों के पास अगर दिमाग नहीं तो चलाती क्यों? किसी भी राह चलती लड़की को घर में लेकर आओगी तुम? अरे ठीक से मिक्सी नहीं चला सकती तुम किचन में, गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी? ड्राइवर कहाँ था? अक्का साहब वो क्या? एक शब्द नहीं सुना है मुझे। ये जो रायता फैला के रखा है ना, उसे मुझे ही देखना पड़ेगा। अगर यहाँ इसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम दोनों में अकल तो है नहीं, कम से कम पूछ लिया करो। इसे यहाँ लाने से पहले एक फोन कर लेती मुझे। कौन है ये लड़की, नाम क्या है इसका? बेहोश हो गई थी बेचारी, तब से होश ही नहीं आया इसको। शिखा, मैं पूछ क्या रही हूँ, तुम जवाब क्या दे रही हो? अरे उसके पास वो होगा ना, वो बैग या पर्स या कुछ, जरा देखो उसमें, चेक करो, उसका आता पता होगा, आईडी होगा, चेक करो। बैग है, गाड़ी में ही रखा है। पंडित को फोन करूं, मुहूर्त निकलवाऊं? जाओ जाकर लेकर आओ बैग। हाँ जी अक्का साहब, मैं भी ला चुकी। तुम दोनों के भरोसे एक दिन में घर छोड़कर नहीं जा सकती, पता नहीं पीछे क्या कांड करके रख दो। इसे चोट वोट लगी है क्या? हाँ छोटी सी चोट है हाथ पर, बाकी कुछ पता नहीं। अब उसे होश आ जाएगा तो पता चल जाएगा ना अक्का साहब, लेकिन बहुत तेज बुखार है उसे।